नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में अय्याश पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद आपा खोए पति और भीड़ का तालिबानी रूप देखने को मिला। पति ने तालिबानी अंदाज में गांव वालों के सामने पत्नी और उसके प्रेमी को रस्सी से बांध कर लाठी डंडों से जमकर पीटा और पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीण ये सब तमाशे देखते रहे और किसी ने उन दोनों को बचाने तक की कोशिश नहीं की। घटना के समय किसी ग्रामीण ने पिटाई का वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इंदरगढ़ के मदारीपुर गांव में रहने वाले युवक को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर शक था, जिसके बाद युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को साथ देख लिया तो फिर क्या था, पति के सर पर खून सवार हो गया और पति ने तालिबानी अंदाज में पत्नी और उसके प्रेमी को पेड़ में रस्सी से बांध कर जमकर लाठी डंडों से पीटा और पूरे गाँव में दोनों को एक साथ बांध कर घुमाया। मामले की सूचना ग्रामीणों ने डायल 100 को दी तो मौके पर पहुंची डायल 100 के सिपाहियों से ग्रामीणों की बहस हुई, फिर बमुश्किल थाने का पुलिस बल आने के बाद ही लड़की को छुड़ाया जा सका। पुलिस ने हैवान बने पति और ग्रामीणों के चंगुल से महिला को छुड़वाया। पुलिस पति पत्नी और उसके प्रेमी को थाने ले आई। हाँ, ये एक शिकायत थाना इंद्रगढ़ में प्राप्त हुई है। ये ग्राम मदारीपुर है, वहाँ एक पीड़िता ने ये तहरीर दी है कि उसके पति और उसके परिवारजन और गांव के कुछ लोगों ने उसको उसके कैरेक्टर पे शक किया और उसको उसकी पिटाई कर दी है। ये हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, इसमें अपराध पंजीकृत किया गया है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा चुका है, उसमें कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है। इसमें इसके पति को धारा 151 में गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। मामला गंभीर प्रकृति का है, इसमें हम अवश्य कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे बताया जा रहा है कि उसके प्रेमी को पकड़ा गया था, क्या प्रेमी अवैध संबंधों को लेकर कोई मामला है क्या? हाँ, इस तरीके के कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो इसमें हम आगे जांच करेंगे। वीडियो आज मेरे संज्ञान में आया है और हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पूरे गांव में उन लोगों को बांध के मारा गया है, ऐसी भी कोई बात है? जो भी इसमें चीजें वीडियो में सामने आ रही है उसकी सच्चाई की जांच की जाएगी। मैं सीओ, जो कंसर्न सीओ है, उनके लिए मैंने आदेश किया है कि जो वीडियो सामने आ रहा है वो स्वयं इसकी जांच करे, उसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। सर, अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? इसमें उनके जो पीड़ित महिला है, जो पीड़िता है, उनके पति को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।